तो कुछ नहीं बोल रहा है विधि ने खुद एग्री किया है इस संक्षेप के अपनी होने के साथ बिजनेस ये करके ना उसने सिर्फ मेरी बेइज्जती ने रायचंद खानदान के रूल्स तोड़े हैं और अब ये डिसाइडेड है कि विधि एमबीए की पढ़ाई करनी नहीं है। मां विधि ने कोई रूल नहीं तोड़ा है, फैक्ट उसने जो सुझे वादा किया था उसे अभी भी नहीं पा रही है। कैसे जो भी कर रही है ये सिर्फ एक एमबीए का हिस्सा है, उसकी पढ़ाई रुकने नहीं। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, ना सही, लेकिन ये बात मैंने और दमयंती मौसी हम दोनों ने सुनी, हम दोनों तो गलत नहीं हो सकते ना, सिर्फ आपकी विधि सच है, हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ मैंने खुद सुना है, और देव आज की पैदा नहीं हुई मैं, ये जो तेरी और तेरी बीवी की मेरी भगत है ना, अच्छे से सब समझती हूँ मैं। तेरी बीवी जो तुझे पट्टी पढ़ाए जा रही है और तू उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे, सब समझती हूँ मैं। विधि और मेरा रिश्ता कैसा है मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों से जिन लोगों ने हमारे परिवार को भरोसा खोया है। और रही बात माँ इस बिजनेस आइडिया की, वो सिर्फ सिम्बी का हिस्सा है और कुछ नहीं, मुझे सब पता है। ये देखिए, ये देखिए, विधि ने खुद ये फाइल मुझे दिखाई थी जो उसकी कॉलेज से वो लेके आई, ये देखिए। अभी आप डिसाइड कीजिए मैम कि आपको विधि में भरोसा है जो कभी झूठ नहीं बोलती, या फिर विधि बिना काम किए सिर्फ अपनी आइडियाज अपने मां बाप को दे रही है ताकि वहां से वो कुछ कर सके, मदद करना चाहती ना वो। आप उसे सुन ही नहीं रहे, वो प्रिया बोले नहीं, बोल तेरी मां सिर्फ रायचंद खानदान का की रीत है का उसूल है कि अपने फैमिली की मदद करनी, वही कर रही है। काम कहां कर रही है मां, आइडियाज दे रही है और हरिप्रसाद जी बिमला जी इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ पैसे बना लेंगे, उसमें क्या है मां, इतना तो कर ही सकते ना। किसी के झूठ बोलने की वजह से हाय माँ।